नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं समय समय पे बहुत से वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अभी मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के मोटिवेशनल के लिए बहुत सारी स्टोरीज़, और मुझे आशा है कि आप मेरी ये छोटी छोटी स्टोरीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप इसे अप्रिशिएट भी करेंगे। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, लेकिन हमें उससे कभी भी तंग नहीं होना है। लाइफ में जो परेशानियाँ आती हैं उसमें आँख में आँख डालकर और आप आगे बढ़िए। इसलिए मैं अब आप और छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और स्टूडेंट्स सब के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज अपलोड कर रही हूँ, और प्लीज़ इसे देखिए। और आप सभी जानते हैं, पहचानते हैं, मैं चित्रा जौहरी। थैंक यू सो मच। इसको देखिए, पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट होइए, और मोटिवेट होकर बस आगे बढ़ते जाइए। लाइफ में रुकना नहीं है। आप सबसे मैं बार बार हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि कभी भी कहीं पर स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, इसी को लाइफ कहते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सब साथियों, आप जो है बस आगे बढ़िए, स्टोरी सुनिए, और मैं समय समय पे मोटिवेशनल वीडियो जो हूं अपलोड करूंगी। लेकिन जैसा कि मेरे चैनल का नाम है की एंड कीज, तो मैं हर टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूं, क्योंकि आजकल के समय में लिविंग रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो अगर आप मेरे चैनल में हमेशा ध्यान से देखेंगे तो आपको मिक्स एंड मैच, बड़े फंकी और मिक्स एंड मैच टाइप वीडियोस आपको मिलेंगे। तो सभी वीडियो का आप एंजॉय करिए, एंजॉय लीजिए, और अब आप ये मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। और अगर पसंद आता है तो लाइक्स आप दे सकते हैं, देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज लाइक्स करिए। थैंक यू सो मच। स्टोरी बुलंद हौसलों की कहानी शुरू करने जा रही हूं, जो कि नेपोलियन पर है, और आप सब बहुत ज़्यादा इस नाम से परिचित हैं, और इनकी कहानी मैं अब आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और आप अपने को आगे बढ़ाते हैं और आप अपने लक्ष्य को, अपने एम को पूरा करते हैं लाइफ में। क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और हमें उसमें जो है रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़े वो हमारे ऊपर होता है। हम मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनकर बढ़ते हैं, हम मोटिवेशनल लोगों के साथ बैठते हैं, हम अच्छे हंसमुख लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, और इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसी कंपनी मिले, कुछ ऐसे लोग मिले जिनसे कि हमारी लाइफ में कभी भी कोई रुकावट नहीं आए और हम अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, जो कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए पहले भी अपलोड किए हैं वीडियोस और उन्होंने देखा भी है, तो और बहुत नाम से परिचित है चित्रा जौहरी। सो मैं अपने स्टूडेंट्स से बोलती हूँ कि आप लोग मोटिवेट होकर स्टोरीज से, जो कि कई बार आप लोग नहीं देख पाते, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उन स्टोरीज़ को पढ़ें या देखें या सुने, कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, आपका शेड्यूल इतना बिज़ी रहता है कि आप नहीं जो है उसको देख पाते हैं या टाइम दे पाते हैं। लेकिन ये आई थिंक मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वीडियोस को सुना है, देखा है, आवाज़ को पहचानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसको लगाकर, और कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं अपना घर का या जैसा जो भी आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इस कहानियों को सुनेंगे आप मोटिवेट होंगे। और स्टूडेंट्स, आप अपने एम तक ज़रूर जाइए, कैसे भी जाइए, कैसे भी बढ़े, लेकिन आप लोगों को बढ़ना है। और आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले, बहुत पहले एक कंपटीशन सक्सेस का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मेरे 12,000 व्यूवर्स हुए हैं, और उन्होंने उसको देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और मैं फिर ये कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स से, सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान स्टूडेंट्स का है, मैं उनको फिर ये कहती हूँ कि कई बार आप लोग बहुत जो है निराश हो जाते हैं। मेरा बेटा जो है वो भी 22-23 साल का है, मेरी बेटी जॉब कर रही है, लेकिन निराश आप लोगों को नहीं होना है। आप लोगों का अगर जो है जॉब नहीं लगती है, या आप कंपटीशन में नहीं निकलते हैं, या काफ़ी रुकावट आ रही है, या पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या घर से, या बाहर से, या सोसाइटी से, या कई बार मैंने देखा है कि आप लोग दूसरे शहरों में जाते हैं रहने के लिए, वहाँ पीजी प्रॉब्लम से, हॉस्टल प्रॉब्लम से, और अगर बड़ी कोशिशों के बाद आपको हॉस्टल या पीजी मिल जाता है तो आप लोग जो है उसमें शेयरिंग करते हैं। अब शेयरिंग में भी प्रॉब्लम्स आती है कि एक कमरे में 3 स्टूडेंट्स हैं या 2 स्टूडेंट्स हैं,
तो दो स्टूडेंट से, जिससे कि आप मान लीजिए रहने का हो जाता है तो आप लोगों को खाने की प्रॉब्लम आती है। अब खाने का अगर हो जाता है, आप होटल से खा रहे हैं तो फिर आपको उसमें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। तो मेरे अगर पिछले काफ़ी पिछले 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को पौष्टिक आहार, पौष्टिक खाना ये सब भी खाना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात में जागना, में पेपर्स को करना, पूरे ओल्ड पेपर्स को करना, फिर जीके करना, मैथ करना, पूरा जो है आपका काफ़ी शेड्यूल जो है बहुत ही बिजी रहता है। ये सभी के लिए जो भी ग्रेड 1, ग्रेड बी या सी जो भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, सबका शेड्यूल्स उसके उसके हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बीच में मैं अपलोड नहीं कर पाई थी मोटिवेशनल वीडियोस, सो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलती हूँ कि आप लोग बिल्कुल रुकिएगा नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ से घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, और अपनी मंजिल को तय करना है। कैसे तय करना है, क्या करना है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। और मैंने अपने वीडियो में बोला था आप लोगों को अगर याद होगा कि एक डायरी बनाना ज़रूरी है। डायरी में आप अपने कामों को लिखिए और उनको कट करते जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी डायरियों में लिखिए, उसको कट करिए। कट करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस होगा रोज़ का कि भाई मैंने इतना काम किया है और इसके बाद मैं जो हूँ अब ये वाला काम करूँगा, अभी मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग जो हैं सब अपने एम में, अपने लक्ष्य में आप लोगों की सक्सेस होगी। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप बढ़ते जाइए, रुकिए नहीं। अब मेरी कहानी शुरू होती है, बुलंद हौसलों की कहानी। ये कहानी एक नेपोलियन पर है। पहले मैंने विक्की रॉय की स्टोरी आपको सुनाई है कि किस तरह से वो एक कूड़ा बिनते थे और किस तरह से गरीबी में उन्होंने अपने जीवन को काटा है, अपने बचपने को गुजारा है, और वो आज एक करोड़पति आदमी बन गए हैं। फोटोग्राफर की नाम मतलब जो है उसमें सबसे ऊपर उनका नाम आता है। वैसे ही मैं आज आप लोगों को दूसरी स्टोरी बताने जा रही हूँ, बुलंद हौसलों की कहानी। ये नेपोलियन के ऊपर है। हमारी ज़िंदगी में मुसीबत जो है वो आती रहती है, मुसीबतें आती हैं, लाइफ है, ये लाइफ में मुसीबत आती है। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए और ना इसको पकड़ के हमें रोना चाहिए कि अरे मुसीबत आ गई है। ज़िंदगी में हर मोड़ पर प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम के बिना आप ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुसीबतें तो आती रहती है, उसको हमें कैसे हटाना है, किस तरीके से हमें जो है अपने को उसमें से बचा कर आगे निकलना है और उसकी आँख में आँख डालकर उसका सामना भी करना है। परिस्थितियों को देखने का देखिए अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है और उस नज़रिए को हमेशा हमें बहुत सही रखना होता है। ज़िंदगी पर अगर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए या कोई बात हो जाए तो आपको संभलना भी आना चाहिए। अब मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि प्रॉब्लम को हम दो तरीके से लेते हैं। वो दो तरीके कौन से होते हैं मनोवैज्ञानिक के हिसाब से? वो कहते हैं कि देखिए प्रॉब्लम पर आप फोकस करिए। अब आप प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो आप उसका सलूशन ढूंढ लेंगे, और दूसरी है कि आप सोल्यूशन पे फोकस करिए, तो अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक इसको इस तरीके से देखते हैं। प्रॉब्लम फोकस जो है अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाता है, तो इंसान जो है वो सोचता है कि भाई अब हमारा ये जो है हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया और चलो हम प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, या हमने चलो सोल्यूशन को ढूंढ लिया है तो मेरी प्रॉब्लम तो अपने आप दूर हो जाएगी। इस तरीके से ये दोनों नज़रिए अपनी अपनी जगह बहुत सही है। दोस्तों और मेरे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका इंसान की जो कहानी है, जिस कहानी को मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके सामने, वो एक बहुत ही प्रोत्साहित कहानी है। दोस्तों आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा, जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक हुआ करते थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई भी शब्द नहीं था। स्टूडेंट्स, इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में गिना जाता था। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे, उनके सामने कोई भी रुक नहीं पाता था। एक बात और है, नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम करते थे। उनको मतलब जो भी काम था जिसमें जोखिम नहीं है वो काम उनको पसंद नहीं आता था, तो वो जोखिम के काम उनको बहुत पसंद आते थे। एक बार आलपास पर्वत को पार करने का ऐलान किया गया और वो अपनी सेना के साथ चल पड़े। अब हुआ क्या कि सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव बात था।
उनकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। सेना बहुत परेशान हो गई कि अरे इस पहाड़ को कैसे पार किया जाएगा, ये तो गगनचुंबी पहाड़ है, कैसे क्या होगा। फिर भी उसने अपनी सेना की चढ़ाई का आदेश दे दिया। अब नेपोलियन को ये पता चल गया था कि सेना में हलचल हो चुका है और कोई भी पहाड़ को पार करना नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो था एक आदेश दे दिया कि भाई सेना चढ़ाई करेगी। हुआ क्या कि पास में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, उसने जैसे ही ये सुना वो उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो तुम लोग भाई, यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर गए हैं। उस बूढ़ी औरत ने नेपोलियन से ऐसा कह दिया, अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो तो तुम सब भी वापस चले जाओ। अब हुआ क्या कि उस औरत की बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय और ज़्यादा प्रेरित हो गए। तो दोस्तों, जब कोई कहता है कि ये काम नहीं हो सकता है तो हमें और प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। तो जैसे ही उस औरत ने बोला कि अरे ये काम नहीं हो सकता, तो क्या हुआ, नेपोलियन जो थे वो और प्रेरित हो गए और झट से उन्होंने हीरो का हार उतार कर और उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार जरूर करना। ये नेपोलियन ने उस औरत से कह दिया और अपना हीरो का हार भी उसे दे दिया और उसको धन्यवाद भी बोल दिया। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने या मुसीबत का सामना करने को तैयार है, वो ज़िंदगी की कोई भी लड़ाई जो है वो जीत सकता है। अब ये जो था, मैं दोस्तों आप सबको बताना चाहती हूँ कि नेपोलियन घबराए नहीं। इतना ऊंचा पहाड़ और इतना जाने में मुश्किल, इतनी दिक्कतें, उस बूढ़ी औरत ने भी समझाया तो बुरा मानने की बजाय उन्होंने अपना हीरो का हार उसको दे दिया और उसको बोला कि आपने मुझे प्रेरित किया है कि मैं उस पहाड़ पर ज़रूर चढ़ूँ, और मैं चढ़ने के बाद जो हूँ, अगर मैं चढ़ जाता हूँ तो आप ज़रूर जय जयकार करना। तो मैं सिर्फ साथियों, दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि नेपोलियन ने जो उस समय डिसीजन लिया चढ़ने का, और वो चढ़ अपने साथियों के साथ, अपनी सेना के साथ चढ़ कर गए और विजय भी हुए, तो आप सबको बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते जाना है और एक दिन जीत आपकी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी अब आपको तीसरी स्टोरी सुनाने जो है मैं चाहूँगी। और इसके पहले मैंने नेपोलियन की कहानी बताई, जो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनको एक लेडी, जो एक औरत उनको उनका मॉरल डाउन करने के लिए बोलती है कि आप नहीं जा सकते पहाड़ के ऊपर, और लेकिन वो फिर भी बहुत उस शब्द से प्रेरित हुए और प्रेरित होकर वो उन्होंने वो अपने पहाड़ को क्रॉस किया सैनिकों के साथ और रुके नहीं वो। तो इससे हमें सीख ये मिलती है कि कहीं पर रुकना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना और हमें आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद अब मैं आपको नेपोलियन के बाद एक और स्टोरी कहानी जो है सुनाऊंगी, जो बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आप सब ने जो है खाना खाते हैं रोज़, आप स्नैक्स खाते हैं रोज़, आप होटल्स में जाते हैं, लेकिन उसमें मसाले कहाँ से आते हैं, किसके मसाले फेमस हैं, और इंडिया में किसके मसाले फेमस है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला नाम आता है MDH। हम लोग बोलते हैं घरों में कि MDH के मसाले लाइएगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वो पांचवी फेल थे, तांगे वाले थे, और MDH मसालों तक का सफ़र उन्होंने कैसे पूरा किया, ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसको कि सुनकर हम आगे पढ़ने की, हमें जो है बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने के लिए हम प्रेरित होते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और हमें जितनी ज़्यादा हार्ड स्टोरीज़ मिलती है, हम आगे अपने एम को पाने में, बहुत ज़्यादा सफलता पाने में, एम को पाने में हमें कामयाबी मिलती है। तो मैं ये तीसरी स्टोरी शुरू कर रही हूँ MDH मसाले वालों की। ये दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, इन्होंने बहुत ही कड़ा मेहनत किया है, बहुत ही ख़राब अनुभव हुआ उनको, दुनिया भर के रसोई घरों में उन्होंने MDH मसाले को पहुँचाया है, और ये कंपनी जो है बहुत पुरानी है।
68 साल पुरानी ये कंपनी है, जहाँ पर 60 प्रकार के जो है मसाले तैयार किए जाते हैं और ये दुनिया के हर देश में निर्यात किया जाता है। इनका नाम है एमडीएच कंपनी के मालिक का नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी जी। ये मसालों के दुनिया के बेताज बादशाह हैं। भारत में रहकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने इनके मसाले को नहीं चखा होगा, और हर किचन में, हर जगह पे, हर होटल में, हर जगह एमडीएच मसालों की धूम है, आप सब जानते हैं। अब धर्मपाल गुलाटी की सफलता की कहानी कैसे शुरू होती है, यहाँ पर मेन जो मकसद है वो आता है कि उनकी कहानी कैसे शुरू होती है जिसने कि पांचवा भी पास नहीं किया था। तो महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था। सियालकोट आप सब जानते हैं कहाँ है, पाकिस्तान में। उनका परिवार बेहद सामान्य परिवार का था। पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल और माता का नाम चन्नन देवी था, जिनके नाम पर दिल्ली के जनकपुरी में चन्नन देवी हॉस्पिटल भी है। धर्मपाल जी का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उनके पिताजी चाहते थे कि वो खूब पढ़े, लेकिन अब उनका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। तो फिर क्या हुआ, पिताजी समझ गए कि अब ये पढ़ाई वगैरह आगे नहीं कर पाएगा, और चौथी पाँचवीं कक्षे में वो फेल हो गया था। अब जब पाँचवीं कक्षा में वो फेल हो गए, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब पिताजी ने उन्हें एक बढ़ई की दुकान पर काम सीखने के लिए लगा दिया, लेकिन धर्मपाल जी का मन इसमें भी नहीं लगा, वो काम सीखना ही नहीं चाहते थे। अब 15 वर्ष की अपनी ज़िंदगी में वो 50 बार अलग अलग काम कर चुके थे, क्योंकि जब वो पाँचवीं कक्षा में फेल हो गए तो उनके पिताजी कहीं ना कहीं काम पर रख देते थे, और जब वो काम पर रख देते थे तो उनका मन नहीं लगता था। इस तरीके से उन्होंने 50 बार अपने काम को अलग अलग जगह पर चेंज किया। उन दिनों सियालकोट में लाल मिर्च के बाजार के लिए जाना जाता था। आप सब जानते हैं लाल मिर्च बहुत तीखा मिर्चा होता है, वो सियालकोट में बहुत फेमस उसकी मार्केट हुआ करती थी उन दिनों में। तो उनके पिताजी ने मसाले की दुकान एक खुलवा दी और उसमें अपने बेटे को बोला कि अब तुम यहाँ बैठो। धीरे 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 काम जो था वो अच्छा हो गया और खूब चलने लगा। इसी समय पर भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई के करीब पहुँच गया था, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक बहुत बड़ी उस समय पर समस्या चल रही थी। अब क्या होता है साथियों कि आज़ादी की लड़ाई के बाद सियालकोट जो था पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब धर्मपाल का जी का जो परिवार था वहाँ बहुत ही मुश्किल में पड़ गया, और उन्होंने सोचा कि छोड़ छाड़ कर हम दिल्ली चलते हैं करोल बाग, और वो अपना सियालकोट में सारा कारोबार सारा सब कुछ छोड़ के वो दिल्ली में करोल बाग में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे और वहाँ पे वो रोजगार खोजने लगे। उस समय उनकी जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे, दिल्ली में कोई रोजगार भी नहीं था। जैसे तैसे करके उन्होंने इधर उधर मांग कर एक तांगा खरीद लिया और वो तांगा उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। लेकिन तांगा चलाने में भी उनका मन नहीं लगा और उन्होंने तांगा चलाना भी छोड़ दिया। अब धर्मपाल जी का एक बार फिर बेरोजगार हो गए। अब उनके पास तो कोई काम ही नहीं था ना, तो वो फिर बेरोजगार हो गए। इसी बीच उनके मन में मसाला बनाने का ख्याल आ गया, जिससे उनका मन बहुत ज़्यादा मतलब लगता था, और उन्होंने सोचा कि भाई मुझे मसाला जो है पसंद है, मैं मसाला क्यों ना बनाऊं। लेकिन उनका धीरे धीरे ये स्ट्रगल समय चल ही रहा था। वहाँ पाकिस्तान में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर यहाँ आ गए, फिर 50 बार उन्होंने जॉब को चेंज किया, फिर उन्होंने 1500 रुपये में एक तांगा ख़रीदा, तांगे को भी चलाने में मन नहीं लगा। तो इस तरह से करते करते छोड़ते छोड़ते वो मुसीबत को झेलते झेलते उन्होंने सोचा चलो क्यों ना मसाला बनाया जाए। अब उन्होंने क्या किया, सस्ते सस्ते सूखे मसाले खरीदना शुरू कर दिया और उन्हें घर में पीसते और बाजार में बेचते। अब बाजारों में भी कोई इतना दुकान तो था नहीं, ले जाते बेचते और धीरे धीरे ईमानदारी से वो अपने मसालों को बनाते, उसमें कुछ मिलाना नहीं, कोई मिलावट नहीं। इस तरह से मसालों को धीरे धीरे उन्होंने बाहर जाके बेचना शुरू किया। मसाला पीसने वाला उनके मसाले में मिलावट जो था करने लगा। अब धर्मपाल जी को बहुत दुख हुआ कि अरे मेरे मसाले में मिलावट कैसे हो रही है। तो उन्होंने धीरे धीरे छोटी छोटी मशीन को अपने घर में लाकर रखा, और लाने के बाद उन्होंने खुद घर में मसाला पीसने शुरू कर दिया। अब मसाला घर में पीसता था, फिर उसको जाकर वो बाहर बेचते थे, थोड़ा थोड़ा देते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि उन्होंने बड़ी बड़ी जो है मसाले के मशीनें लगा ली और उसको एक नाम दे दिया MDH। अब MDH जो था वो एक ब्रांड बन गया और धर्मपाल जी की एक पहचान बन गई। अब आप सब जानते हैं कि आज रसोई घर में हम धर्मपाल जी की फैलाई खुशबू बहुत महसूस करते हैं,
और उनकी जगह जगह पे जो है वो मसाले बनाए जाते हैं, और मसाले बनाने के बाद वो किसी भी होटल में, आप देश में हो विदेश में हो, हर जगह उनके मसाले यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहानी मसालों की नहीं है, यहाँ पे कहानी धर्मपाल जी की नहीं है, यहाँ पे कहानी है मोटिवेशन की। आप लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये धर्मपाल जी की कहानी बताई कि जो इंसान एक तांगा चला सकता है तो, और तांगे से वो अपना सफ़र तय कर सकता है, सियालकोट से दिल्ली और दिल्ली से फिर वो तांगा चलाना, और तांगा चलाने से फिर वो अपने कंधों के ऊपर बैग रख के मसाले को बाज़ारों में बेचना, और बाज़ारों में बेचने के बाद घर में मसाला पीसना, और पीसने के बाद भी धीरे धीरे मशीन लगाना और एक ब्रांड नाम दे देना, और आज वो MDH एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कि आप जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते हैं। कई बार बहुत परेशानियां आती हैं, जॉब नहीं है, बेरोज़गारी है या नहीं है, या कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लीज़ आप लोग निराश मत हो जाइए, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए है, वो बिज़नेस हो या वो सिविल हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, आप बहुत रास्ते खुले हुए हैं, सिर्फ हमें ज़रूरी है। तो फिर मैं बोलूँगी स्ट्रेटेजी की, प्लान की, वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छी संगति, और बहुत ही ईमानदारी से काम को शुरू करने की। एक बार आपने काम अच्छा शुरू कर दिया, काम चल निकला, तो वो आपका बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। तो इसलिए मैं आप सबको ये सारी स्टोरीज़ मैंने सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताई है, और बाकी मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने लक्ष्य में, अपने एम में सक्सेस होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, अब मैं अपनी तीसरी कहानी की ओर बढ़ती हूँ। इसके पहले मैंने नेपोलियन की कहानी आपको सुनाई, अब मैं तीसरी कहानी जो है मेरी है सफलता की सीख। सफलता देखिए एक ऐसा मंत्र है जो बिना मेहनत के नहीं आती है, किसी भी सफलता के पीछे उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी जुनून की ज़रूरत होती है, और आपको हिम्मत जुटानी होती है। आप किसी के भरोसे पर नहीं बैठ सकते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम हमारे लिए प्लान कर दो, तुम मेरे लिए ऐसा डिज़ाइन कर दो कि मैं जल्दी सफल हो जाऊँ, तो ये गलत ऐसा होता है। अगर आपको सफल होना है ज़िंदगी में, एक कामयाब आदमी बनना है, तो आपको अपना प्लान खुद जो है बनाना पड़ेगा, और अपने करियर को खुद डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उस डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो है उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सफलता एक ऐसी सक्सेस की है कि जिसमें आपको अपनी चीज़ें, अपनी मेहनत, अपना प्लान, अपना ऑर्गेनाइज, अपनी स्ट्रेटेजी सब आपको एक प्लान के तहत करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको सक्सेस मिले। अभी आप जो है एक भविष्य की पहचान कर लीजिए कि भाई मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगर जब आप ये प्लान कर लेते हैं, जैसे ही आप थोड़े समझदार होते हैं और आप अपने करियर के लिए प्लान करते हैं, तो उस पर आप अमल कीजिए, और अमल करने के बाद आप उस सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ना धीरे धीरे शुरू करिए, लेकिन उसके साथ आपको बरसते मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब भविष्य की पहचान कैसे है, देखिए अमेजन को देखिए। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजास जी का कहना था कि काम में सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि दुनिया पर नज़र रखनी होगी, और समय के साथ चलना पड़ेगा, किसका रुझान किस तरफ है, इस तरह से आप दुनिया किधर जा रही है उसके बारे में अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर जो है वो मिलेगी। दूसरी चीज़ आती है कि खुद के बारे में समझे और जाने। जैसे स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल कहते हैं कि अपने जीवन के निर्माण करने वाले आप खुद हैं, जीवन का जो निर्माण है उसका जो निर्माण है वो आप खुद ही करते हैं, इसलिए खुद से ये सवाल करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस बात में, किस क्षेत्र में आप बेस्ट हैं, उसी के अनुसार आप अपनी ऊर्जा उस काम में लगा दें, और उसमें अपने को आनंदित महसूस करें, और आप बाखूबी आप देखेंगे कि आप सफल होने में आपको देर नहीं लगेगी, आप धीरे धीरे सफलता की ओर जाएंगे, लेकिन आप अपने बारे में खुद पहचानें कि आप क्या करना चाहते हैं। इसी तरीके से मैं बताऊँगी कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। जैसे देखिए फेसबुक के फाउंडर मार्क जुबेर हैं, उन्होंने चीन की मंडारिन भाषा बड़ी तेज़ी से और बड़ी सफाई से उन्होंने बोलना सीखा, और वो कहते हैं कि क्यों सीखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से उनका जो है चीज़ें, उनका बिजनेस, उनका कैसे सब बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने इस भाषा को भी बहुत अच्छे से सीखा, और दुनिया तेज़ी से बदल रही है। इसलिए हमेशा मैं आपको बताऊँगी कि आपको अंदर
अपने अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें विकसित करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता रहे, अपने काम के प्रति आपकी नज़रिया जो है वो हमेशा विकसित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टूडेंट्स की आप जो है सोचते हैं अब तो मुझे क्या होगा, अब तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जीवन में तो मैंने इतनी मेहनत कर ली, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। या मैंने देखा है काफ़ी एज होने के बाद लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अभी तो मुझे कुछ करना नहीं है, मेरे बहू बेटे आ गए हैं, मेरे नाती पोते हैं, अब तो मेरी लाइफ जो है सेटल डाउन हो गई, मुझे अब जो है लाइफ में कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और निरंतर आपको बढ़ते रहना है, चीज़ें सीखते रहना है, चीज़ें करते रहना है, तभी जो है हमें सफलता की सीढ़ी मिलती है। और सक्सेस मंत्र भी यही है, ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र है कि आप निरंतर चीज़ें अपनी करते रहें और उसको छोड़े नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी और मैं आपको एक नई कहानी की ओर, मंत्र सक्सेस मंत्रा की ओर ले चलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले MDH मसाले के बारे में बताया, उन्होंने कैसे तरक्की की, उसके बाद मैंने आपको नेपोलियन के बारे में बताया, उसके बाद मैंने सक्सेस होने वाले मंत्रा के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप जो है किस तरीके से जो है आप सफलता पाने के 8 सूत्र को ध्यान में रखें। सफलता ऐसे नहीं मिलती है, किसी भी इंसान को सफलता तब मिलती है जब वो अपनी बेसिक चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हैं। मैंने ऐसे ऐसे काफ़ी अपनी इस 30 ईयर्स की जर्नी में देखा है कि मैं जानती हूँ कि किस तरह से सफल और असफल बहुत लोगों को मैंने देखा है, तो उसमें बहुत सफलता लोगों ने पाया और कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की, उनको सफलता नहीं मिली। तो क्यों नहीं मिली है? इसका कारण आप लोग देखिए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो सफल इंसान होता है उसकी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जो असफल होता है वो ध्यान नहीं देता है हमारी उसके आसपास जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देता। मैंने हर सफल इंसान को देखा है कि वो सुबह उठ जाते हैं, अपने कामों को जल्दी शुरू करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं, वेल स्ट्रेटेजी करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं और वो कम से कम बात करते हैं, ज़्यादा बात कर ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं और बहुत ही जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और वो ज़्यादा बहस में, ज़्यादा लोगों से आर्गुमेंट में नहीं पड़ते हैं, उससे वो बचने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से जब उनकी उनको जो है पता है कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, और असफल व्यक्ति जो है वो बुनियादी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते ज़िंदगी में, बस वो सोचते हैं जल्दी से मैं अभी इसको कर लूँ, उसको कर लूँ, उसको कर लूँ, और वो किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते, बस सोचते हैं हाँ ठीक है जल्दी से करते हैं। अब वो जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि वो उन चीज़ों में, उन बातों में असफल हो जाते हैं। ये तो सफलता और असफलता के बीच की बात है। अब सवाल यह आता है कि 8 सूत्र क्या हैं जिनको हम ध्यान में रखें सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आता, किसी को बीच में नहीं टोके, किसी को भी बीच में बात करते समय नहीं टोके। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को बीच में नहीं टोके जब तक कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर लेता है। एक अच्छा श्रोता बने, लोगों का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींचें, ध्यान से सुने, कोशिश करें कि उनकी असफल जो कहानियां हैं उनको बहुत ध्यान से सोचें और फिर उसमें से वो फैक्टर्स निकालें जो उन्होंने गलतियां की हैं, और उन गलतियों से आप सीखने की कोशिश करें जिससे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मना करना सीखे, नंबर 2 है मना करना सीखे। सफल लोगों में एक सबसे अलग बात जो होती है वो ये कि वो मना कैसे किया जाता है, इसलिए वो ऐसे ही सामने वाले वो इस तरीके से मना करते हैं कि सामने वाला नाराज़ भी नहीं होता है और बेकार की जिम्मेदारियों से वो बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। इसलिए अपने काम के आड़े आने वाली किसी भी जिम्मेदारी को जो उनकी ज़रूरतों से बाहर होती वो उनको लेने से बचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मना करना आप सीखें, कि आपको जिन जिम्मेदारियों को ज़रूरत नहीं है उनको आप ज़बरदस्ती जिम्मेदारियों को नहीं लें, हो सकता है कि उन जिम्मेदारियों को लेने से आपकी सक्सेस में बाधा पड़े और आप सक्सेस नहीं हो और वो आपके काम की भी चीज़ नहीं है, तो आप कैसे सक्सेस होंगे।
तीसरी चीज़ आती है कि गॉसिप से बचे। जैसा कि देखा गया आजकल ऑफिस में, कहीं पर भी आप देख लीजिए, घर में, ऑफिस में, कहीं पर किसी भी जगह पे आप देखिए बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है। अब गॉसिप का आप हिस्सा बनकर अपना टाइम को ख़राब नहीं करें, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, इसलिए गॉसिप का हिस्सा नहीं बनिए। समझदारी से आप उसमें से कि जो है किनारे हो जाए और अपने काम में अपने टाइम पर ध्यान दे। जो किसी और के बारे में बात करता है, जाहिर सी बात है कि भाई वो अपनी बात कर रहा है और टाइम वेस्टिंग कर रहा है। सफल लोग खुलकर बात करते हैं, दूसरों की चर्चा के समय में चर्चा करके वो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। ये भी आप एक सफल इंसान को देखेंगे कि कभी भी वो दूसरों की बात नहीं करते हैं और वो दूसरों की बात करके अपने टाइम को ख़राब नहीं करते हैं। नंबर उसके बाद आता है चौथा कि सही समय पर शुरुआत करें। सफल लोग अपने दिन की प्लानिंग दिन के शुरुआत के साथ ही कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, उनका वॉक, उनका योगा, उनका मॉर्निंग वॉक, उनकी एक्सरसाइज सब कुछ होता है, उसके साथ ही साथ वो अपनी पूरी प्लानिंग सुबह कर लेते हैं। पूरे दिन भर उन्हें किस तरीके से काम करना, वो उसको प्राथमिकता देते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखते हैं। अपने किसी भी काम में कमियां निकालने के बजाय उस काम को वो पूरा करते हैं, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि उनको दिन पर दिन अपने आप ही जो है वो सफलता मिलती जाती है और वो सफल धीरे 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 सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद आता है कि भावनाओं पर काबू रखें। ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरे के काम को जज करते हैं और अपने काम को ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों में बोलते हैं ये कमी है, वो कमी है, अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर आप ऐसा करते तो वैसा होता, लेकिन वो अपनी चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो है भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, दूसरों के कमियां निकालने की बजाय आप अपने काम को, अपनी चीज़ों को अच्छा करें और भावनाओं को जो है अपने काबू में रखें, अपने काम पर ध्यान दें, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें। इस तरह से आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। इसके बाद आता अतीत। अतीत मतलब पास्ट, अतीत को, पास्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जिंदगी में हर कोई सफल पैदा नहीं होता है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी खुद से बनानी होती है। जब हम अपने लिए ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन ऐसे में अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। आपके आज के काम के बीच में आप अपनी पास्ट, अपने अतीत को कभी नहीं याद करें, क्योंकि अतीत को याद करने से जो है बाधाएं आएंगी और आपकी जो सक्सेस है वो रुकेगी। इसलिए आप अतीत को कभी हावी ना होने दें, किसी की नकल नहीं करें। आप जो भी काम कर रहे हैं खुद अपना करें, आपका ओन जो है सीखा हुआ होना चाहिए, आप ओन तरीके से अपने तरीके से काम को करें। ऐसा नहीं कि आप किसी की रचनात्मक कोई चीज़ है उसको आपने नकल करके कर दिया या किसी की और चीज़ ले ली, ऐसा नहीं है। आप क्या हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप क्या करना चाहते हैं, आप वैसा काम करें, किसी की नकल नहीं करें। किसी की नकल करने से भी सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद आता है दोष नहीं दें। आज के दौर में जो लोग सफल हैं उन्हें आप विरासत में कुछ अधिक नहीं मिला था, उन्होंने अपना साम्राज्य खुद खड़ा किया। आप किसी को भी देखें, जिन जो भी आज कामयाब लोग हैं उनको कुछ भी विरासत में नहीं मिला है, उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से अपने को सफल बनाया है। तो इसलिए आप किसी को दोष नहीं दें, आप पूरे उत्साह से काम की दिशा में लग जाएं और अपने को भीड़ से अलग करके सफलता की मंजिल को छुएं। अब ऐसे आप नहीं बोले कि भाई मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने ये नहीं छोड़ा, अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, अगर वैसा होता तो मैं वो कर लेता। तो कहने का मतलब ये है कि दोष नहीं दें। आप अगर किसी को दोष देंगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अपने जो है टाइम को ख़राब कर रहे हैं। इससे बेटर है कि आप आगे की ओर बढ़ें और सफलता को छुएं, मेहनत करें और मेहनत करते करते आप अपने एम तक आगे पहुँचें। तो ये मैं एक बताऊंगी कि ये जो 8 सूत्र है सफलता के, इनको आप ध्यान में रखिए और ध्यान में रखने के बाद ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और आपका एम पूरा होगा, ये मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।